संक्रमित आखिरी मरीज ठीक होने के साथ ही न्यूजीलैंड कोरोना मुक्त हो गया है। कोविड-19 के नए मामले अब सामने नहीं आ रहे हैं, लिहाजा सरकार सभी प्रतिबंध हटाने का फैसला जल्द ही ले सकती है। 28 फरवरी के बाद यह पहला मौका है जब देश के पिछले 17 दिनों में कोरोना का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री जेसिंडा ऑर्डर्न जल्द ही सीमाओं की सख्त निगरानी को छोड़कर कोरोना से बचाव के लिए लगाए गए कड़े प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा कर सकती हैं। न्यूजीलैंड ने कोरोना की दस्तक के साथ ही 25 मार्च से लॉकडाउन लगा दिया था, जैसा कि भारत ने नहीं किया था। तब से अब तक देश में 22 लोगों की मौत हुई है और 1500 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया। कोरोना की आखिरी मरीज 50 वर्षीय ऑकलैंड निवासी महिला हैं, अब पूरी तरह ठीक हो गई हैं। इसी के साथ न्यूजीलैंड में कोरोना का अब कोई भी मरीज नहीं है। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय का कहना है कि कोरोना वायरस विश्व स्तर पर 7 मिलियन से अधिक लोगों को हो चुका है, इससे अधिक लोग संक्रमित हैं। करीब 4 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। JHU ट्रैकर के अनुसार भारत, अमेरिका, ब्राज़ील, रूस और यूनाइटेड किंगडम, यह 5 देश सबसे बुरी तरह प्रभावित देश हैं। SPN9 के लिए फरहान उद्दीन की रिपोर्ट।